नमस्कार, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। ऑनलाइन क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं विनिमय साध्य विलेख, अवधारणाएं एवं तत्व। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं यथाविधि धारक के विशेषाधिकार, और यह है बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में पढ़ाया जाता है। यथाविधि धारक के विशेषाधिकार। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 को विनिमय धाराओं के अंतर्गत यथाविधि धारक को अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि दोष मुक्त स्वामित्व। यथाविधि धारक को अपने सभी पूर्ववर्ती पक्षकारों से विलेख का दोष मुक्त स्वामित्व प्राप्त होता है। अपूर्ण विलेख में भी भुगतान का अधिकार। अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपूर्ण विलेख भी हस्ताक्षर करके आदाता को सौंप दिया है तो धारक को पूर्ण अधिकार होता है कि धारक हस्ताक्षरकर्ता के विरुद्ध विलेख में लिखित राशि प्राप्त करे, चाहे धारक द्वारा उसमें ज़्यादा राशि ही क्यों न लिख दी गई हो, बशर्ते कि विलेख में कानूनन पर्याप्त मुद्रांक लगा हुआ हो। अपूर्ण विलेख का यथाविधि धारक विलेख में पाने वाले का नाम, भुगतान की राशि तथा तारीख नहीं लिखा होने पर स्वयं को पूर्ण करने का अधिकारी है। पूर्ववर्ती पक्षकारों का भुगतान दायित्व। अधिनियम की धारा 36 के अनुसार जब तक विनिमय साध्य विलेख का भुगतान नहीं हो जाता तब तक बिल को सभी पूर्ववर्ती पक्षकार, लेखक, स्वीकारकर्ता तथा सभी पृष्ठांकनकर्ता यथाविधि धारक के प्रति भुगतान के लिए उत्तरदायी रहते हैं। प्रत्येक धारक यथाविधि धारक होता है। कानून के अनुसार प्रत्येक विलेख का धारक यथाविधि धारक होता है जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि धारक यथाविधि धारक नहीं है। अवैधानिक प्रतिफल के बदले में प्राप्त विलेख के धारक को सिद्ध करना पड़ेगा कि वह यथाविधि धारक है। कल्पित नाम से देव विलेख। अधिनियम के अनुसार यदि विलेख लेखक के आदेशानुसार किसी कल्पित नाम से दे हो तथा उसी के द्वारा पृष्ठांकित किया गया हो तो विलेख का स्वीकारक यथाविधि धारक के विरुद्ध यह वाद नहीं उठा सकता कि वह नाम कल्पित था। विलेख की सपुर्दगी कपट के आधार पर या खोने की दशा में। अधिनियम के अनुसार विलेख का दायी पक्षकार यथाविधि धारक के विरुद्ध यह कहकर मुक्त नहीं हो सकता कि विलेख की सपुर्दगी कपट के आधार पर थी या उससे खो गया था या अन्य किसी अपराध द्वारा प्राप्त कर लिया गया था या अवैध प्रतिफल के फलस्वरूप प्राप्त किया गया था, बशर्ते कि यथाविधि धारक स्वयं उस कपट में एक पक्षकार न हो। विलेख की शर्तयुक्त सुपुर्दगी। अधिनियम में ये प्रावधान है कि जब कोई विलेख यथाविधि धारक को हस्तांतरित किया जाता है तो अन्य पक्षकार का दायित्व मुक्ति पाने के लिए वह यह नहीं कह सकता कि विलेख की सुपुर्दगी शर्तयुक्त थी अथवा किसी विशेष उद्देश्य और आशय के लिए ही थी। संदिग्ध विलेख में यथाविधि धारक को अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत यह विशेषाधिकार है कि किसी विलेख की प्रकृति अस्पष्ट होने पर, जैसे कि प्रॉमिसरी नोट तथा बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों एक जैसे प्रतीत हो रहे हों, तो यथाविधि धारक उसे उक्त दोनों में से किसी एक प्रकार का विलेख मानकर भुगतान करने का अधिकारी होता है। जालसाजी से दायित्व। यथाविधि धारक विनिमय साध्य विलेख की जालसाजी के दायित्व से मुक्त रहता है यदि विलेख प्रतिफल के बदले तथा सद्विश्वास में प्राप्त किया गया हो तो वह उस स्वयं जालसाजी के पक्षकार नहीं। अगर होता है तो ऐसी स्थिति में वह जालसाजी के दायित्व से मुक्त होता है। विधि मान्यता से इनकार पर रोक। अधिनियम के अंतर्गत यथाविधि धारक को कोई भी पूर्ववर्ती पक्षकार विलेख की विधि मान्यता से इनकार नहीं कर सकता। पृष्ठांकन करने की क्षमता को चुनौती नहीं। अधिनियम के अंतर्गत यथाविधि धारक को यह विशेषाधिकार है कि
कि उसके द्वारा वाद प्रस्तुत करने की दशा में अदाता को पृष्ठांकन करने की क्षमता अथवा कोई अधिकार भी पूर्ववर्ती पक्षकार को चुनौती नहीं दे सकता है। पृष्ठांकनकर्ता पूर्व पक्षकारों की अनुबंध क्षमता को नकार नहीं सकता। अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी विलेख बिना प्रतिफल के लिखा जाता है, स्वीकार किया जाता है और हस्तांतरित किया जाता है तो ऐसे विलेख से संबंधित पक्षकारों का भुगतान का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि बिना प्रतिफल के अनुबंध ही व्यर्थ हो जाता है। परंतु यदि ऐसा विलेख किसी यथाविधि धारक के पास पहुंच जाता है तो यथाविधि धारक को किसी भी पूर्व पक्षकार से भुगतान वसूल करने का विशेषाधिकार है। धारक तथा यथाविधि धारक में अंतर। धारक का अभिप्राय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 8 में परिभाषित किया गया है, जबकि यथाविधि धारक की परिभाषा अधिनियम की धारा 9 में दी गई है। आवश्यकता। धारक के लिए जरूरी नहीं है कि वह विलेख का यथाविधि धारक हो, जबकि यथाविधि धारक को विनिमय साध्य विलेख का धारक होना बहुत जरूरी है। प्रतिफल। धारक विनिमय साध्य विलेख बिना प्रतिफल अर्थात दान, भेंट, उपहार स्वरूप भी प्राप्त कर सकता है, जबकि यथाविधि धारक तभी बन सकता है जब विनिमय साध्य विलेख प्रतिफल के बदले में प्राप्त हो। बिना प्रतिफल के यथाविधि धारक बनना संभव नहीं होता। सद्विश्वास। धारक बिना सद्विश्वास के विलेख प्राप्ति पर भी धारक बन जाता है, जबकि सद्विश्वास में विनिमय साध्य विलेख प्राप्त करने पर ही यथाविधि धारक बन सकता है। बिना सद्विश्वास का विलेख की प्राप्ति यथाविधि धारक के लिए संभव नहीं होती। परिपक्वता। विलेख की परिपक्वता के बाद भी कोई व्यक्ति विलेख प्राप्त कर उसका धारक बन सकता है, जबकि यथाविधि धारक के लिए विनिमय साध्य विलेख की प्राप्ति परिपक्वता के पहले होना अत्यंत जरूरी है। वाद का अधिकार। धारक को विलेख के अनादरण होने पर हस्तांतरणकर्ता पर वाद प्रस्तुत करने का अधिकार सदैव नहीं मिलता, जबकि यथाविधि धारक को विलेख के अनादरण पर पूर्ववर्ती पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत करने का अधिकार सदैव मिलता है। स्वामित्व अधिकार। धारक का स्वामित्व अधिकार विलेख के हस्तांतरण जैसा ही रहता है, उससे बेहतर नहीं हो सकता, जबकि यथाविधि धारक का स्वामित्व अधिकार हस्तांतरणकर्ता से हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि यथाविधि धारक को स्वामित्व अधिकार हस्तांतरणकर्ता से स्वतंत्र होता है। इस प्रकार हमने पढ़ा कि यथाविधि धारक के विशेषाधिकारों में दोष मुक्त स्वामित्व का अधिकार होता है, उसे अपूर्ण विलेख में भी भुगतान का अधिकार प्राप्त होता है, पूर्ववर्ती पक्षकारों से उसे भुगतान लेने का अधिकार होता है, और यह माना जाता है कि प्रत्येक धारक यथाविधि धारक होता है। यहाँ अगर कल्पित नाम से भी विलेख है तो भी यह माना जाएगा कि उसको भुगतान प्राप्त हो सकता है। विलेख की स्पुर्दगी में कपट के आधार पर या खोने की दशा में भी उसके अधिकार का कोई हनन नहीं होता है, जब तक कि यथाविधि धारक स्वयं उस कपट का भागीदार न हो। यहाँ अनेक प्रकार के उसको अधिकार मिले हुए हैं और इन अधिकारों का प्रयोग वह कर सकता है, जिसमें विलेख की सशर्त युक्त सुपुर्दगी है, संदिग्ध विलेख हैं, जालसाजी के दायित्व से युक्त कोई उसे विलेख मिला है लेकिन वह उसका भागीदार नहीं है तो वह वहाँ भुगतान ले सकता है, और वह अदाता के प्रश्नांकन को चुनौती नहीं दे सकता, और प्रश्नांकनकर्ता पूर्व पक्षकारों की अनुबंध क्षमता को भी वह नकार नहीं सकता है। यानी कि यथाविधि धारक के पास अगर कोई विलेख पहुंच जाता है तो यथाविधि धारक को किसी भी पूर्व पक्षकार से भुगतान वसूलने का अधिकार होता है। धारक और यथाविधि धारक के अंतर में भी हमने देखा कि धारक के लिए जरूरी नहीं कि वह विलेख का यथाविधि धारक हो,
जबकि यथाविधि धारक के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि वह विलेख का धारक हो। यथाविधि धारक में हम देखते हैं कि बिना प्रतिफल के भी वह धारक बन सकता है। यथाविधि धारक तभी बन सकता है जबकि उसने निश्चित विलेख का भुगतान कर दिया हो। यहाँ हम देखते हैं कि धारक जो है बिना सद्विश्वास के विलेख की प्राप्ति का धारक बन जाता है, जबकि यथाविधि धारक के लिए उस विलेख का सद्विश्वास होना जरूरी है। बिना सद्विश्वास के यदि वह विलेख प्राप्त करता है तो वह यथाविधि धारक नहीं होगा। ये मुख्य मुख्य इसके अंतर हैं जिसमें परिपक्वता का भी हमें ध्यान रखना है कि परिपक्वता के बाद भी यदि कोई विलेख प्राप्त करता है तो वह उसका धारक तो बन सकता है, लेकिन यथाविधि धारक बनने के लिए यह जरूरी है कि विनिमय साधे विलेख परिपक्वता से पहले का हो और धारक को विलेख के अनादरण होने पर हस्तांतरणकर्ता पर वाद प्रस्तुत करने का भी अधिकार मिल जाता है। जबकि यथाविधि धारक में हम देखते हैं कि विलेख के अनादरण से पूर्व पूर्ववर्ती पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत करने का सदैव उसका अधिकार बना रहता है। तो ये दोनों अंतर मुख्य मुख्य रूप से हमें ध्यान में रखने हैं।